जय हिंद दोस्तों, CISF कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं। जी हां दोस्तों, काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे सर फिजिकल कब तक होगा, क्योंकि इसके साथ ही दोस्तों CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसको लेकर भी काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा एग्जामिनेशन, कौन सा फिजिकल या एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा CISF की तरफ से। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, CISF की तरफ से बहुत ही जल्द प्रोसेस करवाया जाएगा, काफी तेज गति से प्रोसेस चल रहे हैं। तो यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि CISF कांस्टेबल फायर का रिक्रूटमेंट जो कि काफी अच्छी वैकेंसी आई है, तो आप लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप लोगों के फिजिकल का प्रोसेस काफी तेज गति से चल रहा है। तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट कि कब तक आपका फिजिकल होगा, क्या CISF कांस्टेबल फायर का जो फिजिकल सबसे पहले होगा या फिर CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। काफी ज्यादा दोनों को कमेंट्स आ रहे थे, तो इसी बीच दोस्तों आपको पूरी अपडेट में आपको बता देता हूं, इसको लेकर पूरी जानकारी डिटेल से बताऊं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दे, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली CISF कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। अगर बात करें तो दोस्तों PCM वाले अभ्यर्थियों के लिए 2022 का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट आप इसे मान सकते हो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स नेवी की वैकेंसी नहीं आ रही है। ऐसे में दोस्तों फायर का रिक्रूटमेंट आया जो केवल PCM वाले अभ्यर्थियों के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी इतना ईजी है दोस्तों, ना आपका कोई ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ना कोई अलग से स्किल टेस्ट होने वाला है, डायरेक्टली दोस्तों आपका फिजिकल होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल के बाद में आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी 1149 है, काफी अच्छी वैकेंसी है और अलग अलग स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कि इसका जो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा वो रिटर्न के बेसिस पे होगा, और अगर आप इंडियन एयरफोर्स नेवी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों अगर इस रिटर्न एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन का काफी ज्यादा चांसेस बन जाता है, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो स्टेट वाइज जाएगी। बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जहां पर अगर आप 45, 50, 55 नंबर भी लेके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बड़े राज्य जहां की कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई भी आपको देखने को मिल सकती है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, अगर आप CISF कांस्टेबल फायर की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की काफी अच्छी बुक यहां पर मार्केट में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जो कि CISF कांस्टेबल फायर को लेकर यह बुक बनाई गई है, जिसमें पूर्ण सिलेबस के हिसाब से सभी टॉपिकों को बारीकी से दर्शाया गया है। साथ ही आपको 2450 प्लस आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे, 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। उसके साथ ही दोस्तों इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे कि आप घर बैठे भी अच्छी तैयारी करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को यहां पर कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत यहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर, क्योंकि दोस्तों CISF कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट 2022 1149 पदों का आया था, लेकिन उससे पहले 2019 में CISF हेड कांस्टेबल का एक रिक्रूटमेंट आया था, जिसका फिजिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लिया गया, लेकिन उसका रिटर्न एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रोसेस जो CISF की तरफ से चल रहा है उसमें क्या CISF हेड कांस्टेबल का रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया जाएगा या फिर CISF कांस्टेबल फायर का फिजिकल होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि CISF की तरफ से काफी तेज और काफी तेज गति से प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब दोस्तों फिजिकल कंडक्ट करवाने को लेकर। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं, यहां पर अगर CISF हेड कांस्टेबल का रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है तो काफी जल्दी आपको CISF कांस्टेबल फायर के फिजिकल के एडमिट कार्ड देखने को मिलने वाले। दोस्तों आपने देखा होगा SSB ड्राइवर का जो फिजिकल हुआ है, SSB ट्रेड्समैन का जो फिजिकल अब शुरू होने वाला है, जिसमें दोस्तों एकदम मतलब लगभग 15 दिन पहले फिजिकल से एडमिट कार्ड जारी किए गए, लेकिन 15 दिन में बच्चे तैयारी नहीं कर पाए और वो फिजिकल में बाहर हो गए। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अपनी तैयारी है वो पूरी रखनी है, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा और फिजिकल आपको क्वालिफाई करना ही होगा, तब भी आप रिटर्न के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। अच्छी बात दोस्तों यह है कि इस जो फायर कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है उसमें आपका जो सिलेक्शन है वो इतना आसानी से हो जाता है, क्योंकि फिजिकल आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आपका रिटर्न बिना किसी कोई ट्रेड टेस्ट होगा, ना कोई स्किल टेस्ट होगा, डायरेक्टली
आपका रिटर्न और रिटर्न के बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद में आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। दोस्तों यहां पर बात करें तो आप लोगों का फिजिकल होगा, तो फिजिकल की मैं अगर बात करें तो मिनिमम जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। जिन बच्चों की हाइट कम है वो अगर वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उनको हाइट में अलग से यहां पर छूट दी जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें तो रनिंग में आपकी 5 किलोमीटर की रेस होगी। जी हां दोस्तों 5 किलोमीटर की रेस होगी और यहां पर आपको समय दिया जाएगा 24 मिनट का। समय में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, लेकिन 5 किलोमीटर की रेस भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका फिजिकल है वो जून में होता है या फिर मई लास्ट में होता है तो काफी ज्यादा इस समय गर्मियां पड़ रही है, जिसके कारण बच्चे फिजिकल कंप्लीट जो फिजिकल है वो पास नहीं कर पा रहे। और ऐसा आपने एसएसबी में देखा होगा, एसएसबी का भी फिजिकल चल रहा है और काफी ज्यादा गर्मी के कारण बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको तैयारी में जुट जाना है विषय, क्योंकि अब सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के कभी भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीआईएसएफ की तरफ से काफी तेज गति से प्रोसेस किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। क्योंकि अभी दोस्तों सीआईएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट भी लाने वाला है, ट्रेड्समैन का भी नया रिक्रूटमेंट आएगा, ऐसे में इस पहले वाले रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का जो रिक्रूटमेंट है वो काफी लंबे समय से आया और काफी अच्छी वैकेंसी भी है, 1149 वैकेंसी और केवल पीसीएम वाले कैंडिडेटों के लिए। और इस बार दोस्तों नंबर ऑफ फॉर्म भी काफी कम अप्लाई हुआ है, तो आपका काफी ज्यादा चांसेस बनता है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर में सिलेक्शन लेने का। अगर दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के सिलेबस की बात करें तो इसी सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली है। जी हां दोस्तों अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और आपका जो एग्जाम होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा वो होगा दोस्तों सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के। और टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं, जिनमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, वही पार्ट बी में आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के और हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, जिनमें से एक लैंग्वेज आपको करनी होगी। और इन्हीं 100 क्वेश्चन के लिए आपको समय भी काफी अच्छा मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना है और समय आपको काफी अच्छा दिया जाता है, क्योंकि जो आपका समय लगने वाला है दोस्तों वो मैथ और रीजनिंग में लगने वाला है, बाकी दोस्तों आप जीके और हिंदी है वो इतनी इजी आती है कि आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको तैयारी मतलब फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन की भी तैयारी रखनी है ताकि आप आराम से इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने दोस्तों अभी तक सिलेबस वगैरह नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाके आप सिलेबस वगैरह भी डिटेल से देख सकते हैं।